और देखिए आर्यन खान ने अपने माता पिता की जो विरासत है हिंदू मुस्लिम एकता की, उसको आगे बढ़ाया और भैरू जी के मंदिर के अंदर वो आशीर्वाद लेने आए हैं भैरू जी से। और देखिए कि जिस तरह पुजारी जी ने भी आशीर्वाद दिया है, और आप देख सकते हैं लगातार एनकेआर जय भारत न्यूज के। इस समय हम जो जुबेर खान विधायक है रामगढ़ के राजस्थान से, उनकी कब्र के पास आए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इनके जो सुपुत्र हैं श्री आर्यन खान, उनको अब इनकी जगह प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। और जुबेर खान जी को 5 साल के लिए यहाँ की जनता ने चुना था, परंतु वो दिवंगत हो गए कुछ महीनों बाद ही। अब ऐसी जो जिम्मेदारी है, इनकी सभी जिम्मेदारी है, वो आर्यन संभालेंगे। जब आर्यन खान नामांकन भरने गए तो इस कब्र पर आए और एक वादा करके गए अपने पिताजी से कि पिताजी, जो आपने मार्ग दिखाया है हमें इस पूरे रामगढ़ को, जो हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश करके गए, उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चलेंगे। जब आर्यन जुबेर ने नामांकन भरा और उसके बाद वो मंदिरों में गए, जैन मंदिरों में गए, भैरू बाबा का आशीर्वाद लिया, पुजारी से आशीर्वाद लिया, तो ये साफ स्पष्ट दिख गया कि आर्यन जुबेर है वो जुबेर खान जी के ही पद चिन्हों के ऊपर चलने वाले हैं। जब वो भाषण दे रहे थे नामांकन के बाद, तो आर्यन जुबेर की आंखों में आंसू आ गए। और संजना जाटव जो भरतपुर से सांसद है, और अगर मैं बात करूं टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता, उन्होंने उनको ढाढ़स बंधाई। अब बात करें जुबेर खान जी इतने चर्चित क्यों हैं, क्योंकि हम भी 2 शब्द जुबेर जी के लिए कहना चाहेंगे। जुबेर का व्यक्तिगत रूप से कोई भी विरोधी मुझे रामगढ़ विधानसभा के अंदर इतने दिन से नहीं मिला जो ये कहता हो कि जुबेर ने ये गलत काम किया। ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला है जो व्यक्तिगत रूप से जुबेर के ऊपर कोई लांछन लगा सके, एक भी नहीं मिला। और मैं चाहूँगा कि भगवान से कि एक भी व्यक्ति ऐसा मिले भी ना, क्योंकि जुबेर जी की जो छवि है ना, वो बिल्कुल अलग है दुनिया के अंदर। हमने देखा कि बहुत सारे मुसलमान पाए जाते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के अंदर इंसान पाए जाते हैं वो भारत के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो कलाम साहब हो चाहे वो जुबेर साहब हो। अब बात करेंगे जुबेर जी ने कौन सा ऐसा जो मार्ग बनाया है जिसके ऊपर आर्यन खान चलने के लिए कह रहे हैं, वो मार्ग है हिंदू मुस्लिम एकता का। और आपको एक चीज मैं और बताता हूँ जुबेर जी के बारे में, कि जब भी जब वो विधायक बने तो वो विपक्ष में रहे, और विपक्ष में रहते हुए उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्त काम करवाया अपने क्षेत्र के अंदर। और जो नए विधायक हैं उनको बड़ा समझाते थे, संजना जाटव भी कह रही थी नामांकन के समय कि जुबेर जी मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि बेटा इस तरह काम करना होता है, और उनको भी एक मार्गदर्शन दे के गए। तो उनकी दीवानगी जबरदस्त है रामगढ़ विधानसभा के अंदर, लेकिन इस दीवानगी के पीछे जो हाथ है वो इनकी विनम्रता का कहा जा सकता है। इतने विनम्र व्यक्ति जुबेर खान जी थे, और हमने उनके भाषणों में भी देखा कि विधानसभा में जब बोलते थे तो विरोधी भी बड़े ध्यान से सुनते थे कि जुबेर भाई साहब रामगढ़ से बोल रहे हैं तो कोई बड़ी बात होगी। और इतने अच्छे नेता, छात्र जीवन से जो राजनीति की, और जब हम रामगढ़ शहर के अंदर गए लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि यार हम मर जाते जुबेर तो कम से कम 5 साल बहुत लोगों का भला करते थे। अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है उसने भी अपना प्रत्याशी उतारा है सुखवंत सिंह। उनकी अगर बात करें तो आज जब वो आए और उन्होंने भाषण दिए, तो व्यक्तिगत रूप से जुबेर के प्रति कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जुबेर के खिलाफ बोलने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है। हमने देखा कि उन्होंने अपने भाषणों के अंदर वही कहा, वही साइबर ठगी का मामला हो,
लड़कियों को उठा ले जाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, इस तरह के भाषण चलते रहे। और ये भी बताया कि डबल इंजन की सरकार है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी की है और सेंटर के अंदर भी बीजेपी की है, अगर रामगढ़ से बीजेपी का विधायक बन गया तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। पर बात करें कि सरकारें तो आती है चली जाती है, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कोई जबरदस्त व्यक्तित्व को फॉलो करने वाला व्यक्ति था तो वो थे जुबेर खान जी। और मैंने मेवात के अंदर जबरदस्त जो क्रेज देखा जुबेर खान का व्यक्तित्व का, तो इनके मुकाबले मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मेवात के अंदर कोई ऐसा है जो इनके आसपास भी नजर आए। हमने पूरे रामगढ़ के अंदर भ्रमण किया, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो जुबेर खान जी का विरोध करता हो। हाँ ठीक है, विरोध करते हैं तो वो और नेताओं के करते हैं, पार्टियों का करते हैं, कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं, परंतु जुबेर जी के लिए कोई विरोध नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमने आर्यन जुबेर के बारे में बताया कि जब वो सुबह गए तो अपने पिताजी की कब्र से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेकर गए, और उसके बाद नामांकन भरा, फिर जो मार्केट रामगढ़ का है उसके अंदर चलते गए और जहाँ जहाँ लोग मिलते गए उनका अभिवादन स्वीकार करते गए, और जहाँ मंदिर मिला वहाँ माथा टेका, हाथ जोड़ा, पंडित जी से आशीर्वाद लिया, और जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उसी तरह पूजा पत्ती की। ये जो आर्यन जुबेर का हमने रवैया देखा, ऐसा ही रवैया है जुबेर खान जी का था। पर जुबेर खान जी के बारे में एक और ज़बरदस्त बात हमें जानने को मिली कि जैसे होली और दिवाली आती थी तो जुबेर खान जी मार्केट के लोगों को हाथ जोड़कर निकलते थे कि भैया बधाई हो होली और दिवाली की, नमस्कार, राम राम। तो दिवाली भी बिल्कुल आने वाली है, 30 तारीख की दिवाली मनाई जाएगी, 30-31 तारीख की। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आर्यन जुबेर है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कितने समय बाद पता चलेगा कि वो जुबेर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, परंतु लोगों की डिमांड है कि एक बार आर्यन जुबेर को हम परखें। ऐसा जो आर्यन जुबेर के समर्थक हैं या फिर रामगढ़ के बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं। सुखवंत की अपनी एक अलग स्टेजी है और अलग तरह का जो रवैया है वो हम सब जानते हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आए, फिर हार गए, फिर वो आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लेकर आए, फिर हार गए, और फिर से अब की बार बीजेपी से टिकट लेकर आए, और शुरुआत के अंदर तो जय आहूजा ने विरोध कर दिया ज़बरदस्त, बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया और सीएम भी आए उनकी नामांकन के लिए। तो दोस्तों, जो रामगढ़ विधानसभा है इसका हम जो हाल है वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के माध्यम से पूरे रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है उसको हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तब तक जय भारत, जय हिंद।